बहुत हास्यास्पद है। आप ही लोगों का सवाल था, जब मुख्यमंत्री जी जेल से छूट करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई अभी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। भैया जब अभी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं, और अब चुनाव जब होने के लिए जब कह रहा है, अच्छा तो ये होता है यदि उनमें इतना ही कुबत रहता तो भाई वो कह देते कि भाई हम विधानसभा को भंग करके चुनाव में चलते हैं, इतनी तो ताकत है नहीं। तो कथनी और करनी में जो इनका अंतर हमेशा से रहा है, चाहे रोजगार के मामले में हो, कुछ कहते कुछ थे उसके बाद में पलट जाते हैं। तो आज भी जो उनका जो है, उनको मालूम है कि उनके पाँव के तले से जमीन खिसक गई है, इसलिए डर गए हैं वो चुनाव में जाने से, और इसलिए वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि पीएम समेत पूरी भाजपा डर गई है, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये संविधान की हत्या हुआ है, इसमें डरने की क्या बात है? अगर संविधान यदि वैसे ही रहता, कांग्रेस यदि वैसे ही इसको कंटिन्यू कर पाती इमरजेंसी लगा करके, और यदि देश की जनता और जेपी के आंदोलन में अपने युवा साथी अगर अपने प्राणों की आहुति नहीं दिए रहते और लोकतंत्र पुनः बहाल नहीं होता, तो आज कांग्रेस ये थोड़ी बात कह पाते ना, आप और हम इस बातों को चर्चा कर पाते। इसको तो याद रखना है जब किस तरह से 1975 में इस देश के महान संविधान को इन लोगों ने हत्या करके देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दमित किया था। इसको याद रखना है, और आने वाली पीढ़ी में कोई इसका काम नहीं कर सके, ऐसा काम नहीं कर सके, इसके लिए लोगों की चेतना को हमेशा जागृत रखना। तो एक विषय ये कि जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा,